रायबरेली में तापमान बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगा। ताजा मामला लालगंज तहसील का है, जहां आग लगने से तकरीबन 1.5 बीघा से ज्यादा अरहर की फसल खाक में तब्दील हो गई। समय रहते फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, वरना आसपास की कई बीघा फसल इसकी चपेट में आ जाती। मामला यहां के बैसवारा डिग्री कॉलेज के पास का है। यहां किसान रामदेव यादव, सतीश कुमार और शोभा के खेत एक दूसरे से मिले हैं। सभी ने इसमें अरहर बोई। दोपहर के समय अचानक सभी के खेतों में खड़ी अरहर की फसल जल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया, वरना आसपास के खेत चपेट में आ जाते। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। मौके पर पहुंची राजस्व की टीम ने नुकसान का आकलन कर लिया है। कैसे आग लगी? हमारे फायर स्टेशन लालगंज सूचना आई कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास अरहर के खेत में आग लगी है। हमारी यूनिट तत्काल घटना स्थल पर आई है, जबकि पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ से रास्ता नहीं थी, फिर डिग्री कॉलेज आके हम लोग आग को बुझा रहे हैं। आग अज्ञात कारणों से लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कूड़ा जलाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं स्मोकिंग करके बीड़ी सिगरेट से, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लगभग कितने नुकसान हुआ होगा? नुकसान अभी कोई अनुमानित नहीं है, उसकी जांच की जाएगी।